भारत की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी यानी मारुति सुजुकी जल्दी भाइयों अपनी पॉपुलर हैचबैक कार मारुति वैगनार के नेक्स्ट जनरेशन खास वेरिएंट को आप सभी के लिए भारत में लॉन्च करने की तैयारियां पूर्ण रूप से कर चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्केट में आने वाली आज नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी वैगनार के बारे में, जो कि काफी सुर्खियों तथा मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। इस कार का इंतजार भारतीय बाजार में काफी लंबे समय से किया जा रहा था तथा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस कार को काफी बार टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया था, जो कि कॉस्मेटिक बदलावों के साथ ही साथ बेहतरीन फीचर्स के साथ भी इस कार को लेस किया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि वैगनार को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ वी टीम पर बेस्ड किया गया है। लॉन्च से पहले ही मारुति वैगनार नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारियां सामने आ चुकी है। इस जबरदस्त वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जनरेशन विकल्प वैगनार के कुछ फीचर्स के बारे में, तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कुछ नया आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो आप जानना चाहते हैं कि मारुति वैगनार नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के अंदर क्या खास, क्या अलग फीचर्स आप सभी को देखने के फ्रंट में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनार को पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा डिजाइन किया गया है। यानी इस कार में 5 लोग बैठने के बावजूद अब आप सभी को काफी ज्यादा बूट स्पेस इस कार में देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत आप अपने सामान को रख के अपनी यात्रा को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि वैगनार एक्स्ट्रा एडिशन में आप सभी को साइड स्किड के साथ ही रियर बम्पर प्रोटेक्शन ऑप्शन देखने को इस नए जनरेशन में दिखाई देता है। इसके साथ ही अपकमिंग वैगनार नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक बॉडी, साइड मोबिलिटी और व्हील आर्क क्लीयरेंस को भी शामिल किया गया है, जिससे इस कार को और भी ज्यादा मस्कुलस लुक भारत में मिलता है। इसके अपर ग्रिल में आप सभी को रेटिना द्वारा अपडेट की गई ग्रिल ऑप्शन दिखाई देती है, जो कि वाकई में ही इस कार को पूर्ण रूप से दूसरी कारों से अलग भारत में बनाती है। फॉग लैंप्स को अब पूर्ण रूप से स्लिक द्वारा संचालित किया गया है तथा फ्रंट में आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स का सेटअप ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स द्वारा संचालित करके इस कार की खूबसूरती को भारत में और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। साथ ही ब्लैक डोर में भी आप सभी को क्रोम ग्राफिक्स के साथ ऑप्शंस के साथ डुअल टोन कलर ऑप्शंस में एलॉय व्हील भी साझा किए गए दिखाई देते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के एलॉय व्हील को पूर्ण रूप से स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन किया गया है, जिसके चलते कार को एक भारत में मस्कुलस लुक पुरानी तथा अन्य नई कारों से मिलता है। फीचर्स की बात करें तो आप सभी को बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन मारुति वैगनार काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स द्वारा संचालित करके भारत में लाई जा रही है। मारुति वैगनार में आप सभी को विंग्स मिरर तथा डोर हेडलैंप और व्हील कवर का कलर भी बॉडी कलर जैसा ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा एट्रैक्टिव भारत में बनाता है। साथ ही टील एडजस्टेबल स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल सिस्टम के साथ पावर एडजस्टेबल विंग्स मिरर रियर और फ्रंट पावर विंडो, क्लेस एंटी स्लिक फोल्डिंग रियर सीट जैसे फीचर्स को कनेक्टेड किया गया है। इस कार के केबिन को पूर्ण रूप से ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ साझा किया गया है। फ्रंट में आप सभी को सेंटर कंसोल में पुराने मॉडल की तुलना में यानी बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। यानी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप वॉइस कमांड द्वारा भी संचालित कर सकते हैं। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को ऑटोमेटिक AC वेंट्स की सुविधा मिलती है, जो कि 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन पे काम करती है, जिसके तहत आप सभी की अंदर की वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालती है तथा आप सभी को स्वच्छ वायु प्रदान करती है, जो कि COVID-19 के चलते ये फीचर्स आप सभी के लिए बेहतरीन बेटर ऑप्शन बन सकता है। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को फास्ट चार्जिंग की सुविधा के साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट ऑप्शन भी देखने को मिलता है तथा इस जबरदस्त कार को 14 कनेक्टिविटी फीचर्स द्वारा संचालित करके आप सभी के लिए लाया गया है, जो कि आप अपने मोबाइल के द्वारा इस कार को पूर्ण रूप से फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनार को सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी भारत में काफी मजबूती के साथ तैयार किया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो से लेकर नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। हाईटेक प्लेटफॉर्म के चलते इस कार की बॉडी को भारत में 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट कर
करके रीडिजाइन किया गया है। यानी मजबूती के मामले में ये कार पूर्ण रूप से भारत में काफी नंबर वन पे रहने वाली है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में इस कार को काफी मजबूती के साथ तैयार किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस एसयूवी में कंपनी ने कोई कमी आप सभी के लिए भारत में नहीं रखी है। इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिजिटल लाइट यानी EBD, ब्रेकिंग असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। इस कार में साथ ही साथ हील असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टार्ट, नेगेटिव रियर कैमरा तथा डायनेमिक पावर एडजस्टेबल रिमोट, इंजन स्टार्ट स्टॉप, वायरलेस फोन चार्जिंग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को अपडेट किया गया है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये कार आप सभी को कभी भी निराश भारत की सड़कों पर नहीं करने वाली है। माइलेज की बात करें तो पूर्ण रूप से कंपनी का ये भी दावा है कि ये कार प्रति लीटर में आप सभी को काफी ज्यादा माइलेज देने वाली है, क्योंकि इस कार में पहली बार आप सभी को मारुति सुजुकी वैगनर नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के अंदर टर्बो चार्ज ऑप्शन का विकल्प देखने को मिलने वाला है, जो कि पूर्ण रूप से भारत के अंदर काफी ही अच्छी बात है। इस कार के इंजन की बात करें तो जी हां, आप सभी को बता दूं कि इस कार में आप सभी को 1.2 लीटर का नहीं बल्कि 1.5 लीटर का नेक्स्ट जनरेशन VVIT टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पुराने वैगनर की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को पूर्ण रूप से भारत की सड़कों पर काफी अच्छी पावर भी प्रदान करता है। ये कार प्रति लीटर में आप सभी को 115 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 142 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। इस इंजन के साथ आप सभी को भारत में 6 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। ये मार्केट में आने वाली हैचबैक कार कुल 6 कलर ऑप्शन के साथ आने वाली है, जो कि प्रति लीटर में आप सभी को 28 से 31 का माइलेज देने में प्रदान करती है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को जापान तथा इंडोनेशिया मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है तथा वहाँ के लोग इस कार को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते अपने एडवांस लुक के तहत काफी ज्यादा फेमस कारों में से शुमार की जाती है। अब फाइनली भारत में भी मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हुए दिवाली के मौके पर इस कार को लॉन्च करने का पूर्ण रूप से भारत में फैसला ले लिया है। यानी इस कार को मार्केट में हम सभी के लिए सेप्टेम्बर तक लॉन्च एंड में किया जाना है, जो की वाकई में अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए एक जबरदस्त हैचबैक कार लेने का प्लान बना रहे थे तो मारुति वैगनर नेक्स्ट जनरेशन विकल्प आप सभी के लिए सबसे बेटर विकल्प ऑप्शन इस टाइम में होने वाला है। कीमत की बात करें तो पुराने मॉडल की तुलना में इस कार की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी आप सभी को मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये कार मार्केट में 4.5 लाख रूपए से लेकर 7 लाख रूपए के अंतर्गत एक शोरूम प्राइस के साथ मुहैया करवाई जाएगी। भारत में इस कार को 3 विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। सबसे खास बात तो ये कि इस कार की प्री बुकिंग ऑफिशियल मारुति सुजुकी इंडिया की वेबसाइट पे स्टार्ट कर दी गई है। यानी ग्राहक आप इस कार को घर बैठे आज ही बुक कर सकते हैं या फिर डीलरशिप के द्वारा विजिट करके पूर्ण रूप से जानकारी लेकर इस जबरदस्त कार को अपने घर भी ले जा सकते हैं। अगर आप इस कार को लेने का प्लान इस वीडियो को देखने के बाद बना चुके हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।